दोस्तों, एक सुपरमार्केट में कितना खर्चा लगता है और क्या क्या खर्चा लगता है और 1000 स्क्वायर फीट में कितना खर्चा आएगा, आज की वीडियो में हम समझेंगे 1000 स्क्वायर फीट के सुपरमार्केट में कितना खर्चा लगेगा, है ना, और क्या क्या चीज़ें उसमें जो है लगेंगी, लगभग कितना प्राइस आएगा, तो एक कॉस्टिंग निकालेंगे। अगर आप सुपरमार्केट बनाने सोच रहे हैं खुद का सेल्फ सुपरमार्केट, तो उसके लिए आपको पहले मैं आपको चीज़ें गिनवाता हूँ। देखिए, सबसे पहले सुपरमार्केट में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है आपका डिस्प्ले रैक, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट रखा जाना है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट सेट करेंगे, जहाँ प्रोडक्ट रखेंगे, ये सबसे बड़ी आइटम है। तो डिस्प्ले रैक है ना, अब 1000 स्क्वायर फीट में अगर हम डिस्प्ले रैक लगाते हैं, तो कैसे भी अगर हम डिस्प्ले रैक लगाएंगे 1000 स्क्वायर फीट में, तो आपका वॉल कवर होंगी और बीच में एक लाइन होगी या दो लाइन होगी, जिसे हम सेंटर रैक कहेंगे। तो अब वो देखा जाएगा कि आपका जो 1000 स्क्वायर फीट है किस हिसाब से, क्या आपकी जो फ्रंट का सामना 30 फीट है या 25 फीट है या फिर 10x90 है, ऐसा करके लंबा सा बना हुआ है, क्योंकि 10x अगर 10 फीट फ्रंट होगा सामना, तो फिर उसमें सेंटर रैक नहीं आ पाएंगे, है ना। और अगर सामना 20 या 25 फुट है, तो उसमें दो सेंटर रैक आ जाएंगे। तो इस तरह से वो निकाली जाती कॉस्टिंग। फिर भी एक अप्रॉक्स प्राइस की हम बात कर रहे हैं, तो आपका अगर 1000 स्क्वायर फीट है, तो आपका जो रैक है, डिस्प्ले रैक, रैक की बात कर रहे हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए में हम प्रोवाइड करा देंगे आपको आराम से, ठीक है, जिसमें आपका पूरा रैक वगैरह आ जाएगा। इसके बाद काउंटर, एक इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं काउंटर, बास्केट, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी 2 से 2.5 लाख रुपए में। और इसके बाद आपका ये काउंटर और बास्केट ये अलग रहेंगे। काउंटर आपका इंपोर्टेड रहता है, जो कि 20 से 22 हज़ार में आता है। और ट्रॉली बास्केट की बात करें, तो वो भी आपको समथिंग 3000-4000 ऐसे अलग रेट के आती हैं। बास्केट जो है 600-700 रुपए के अलग अलग रेट के आते हैं। तो ये हो गए, ये सब आपका 3 लाख मान के चलते हैं 1000 स्क्वायर फीट में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एसी की। अगर आपके स्टोर में 1000 स्क्वायर फीट है, तो आपकी 2 AC 1.5 टन की आराम से लग जाएंगी, 2-2 टन की, ठीक है। 1.5 टन की एसी अगर लगाएंगे, तो 3 लगानी पड़ेगी, और 2-2 टन की 2 लगा सकते हैं। तो 2 AC हम लगा लेंगे 2-2 टन की, जिनका प्राइस 2 टन वाली एसी का 1 से 1.2 लाख समथिंग हो जाएगा, अगर पूरी फिटिंग वगैरह के साथ कहें तो, है ना। फिर इसके बाद अभी देखो, ये एक्चुअल प्राइस नहीं, ये एक एज्यूम की हुई प्राइस है, ठीक है। पर वो तो फिर कौन सी कंपनी का एसी है, अलग अलग सबके प्राइस होते हैं, पर एक लगभग प्राइस है। फिर एक होता है सीसीटीवी। सीसीटीवी में अलग अलग चीज़ें होती हैं। 16 चैनल का अगर सीसीटीवी लगाना है, या फिर आपको अपने मार्ट में 8 CH का चैनल लगाना है, 16 CH का लगाएंगे तो 16 कैमरे आप लगा पाएंगे अलग अलग जगह पे। अगर 8 CH का DVR होगा, तो आप उसमें 8 कैमरे लगा पाएंगे। 4 CH का DVR भी आता है, कितने चैनल का है वो डिपेंड करता है। तो 16 चैनल का DVR अगर कैमरे की बात करें, तो हम आपको वो 45,000 रुपये में आराम से दे देंगे सब चीज़ें। 45,000 तक में वो आपका पूरा CCTV हो जाएगा। फिर आता है बिलिंग सॉफ्टवेयर। बिलिंग सॉफ्टवेयर आपको हम जो है प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें भी आपका कौन सा रहेगा। बिलिंग सॉफ्टवेयर अलग अलग रेट के हैं। 30,000 रुपये मान के चलिए इसका खर्चा आएगा बिलिंग सॉफ्टवेयर का। तो 30,000 रुपये में आपका कंप्यूटर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, ये सब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है लाइटिंग, फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग 1000 स्क्वायर फीट में ऊपर की तरफ जो फॉल सीलिंग है, वो अलग अलग डिज़ाइन की होती है, है ना। अब ये आपका जो प्री डिफाइंड पहले से बनी हुई है फॉल सीलिंग आती है, वो अगर हम करवाएंगे जो स्टील की होती है, उसमें सिर्फ सेल्फ को रख देते हैं, वैसी फॉल सीलिंग आपकी, उसका खर्चा हम मान के चलते हैं कि 50 से 60 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इतना ही खर्चा आएगा लगभग। फिर होता है डीप फ्रिज। फ्रिज हमें आइसक्रीम वगैरह, फ्रोजन आइटम रखने के लिए डीप फ्रिज की जरूरत पड़ेगी। तो डीप फ्रिज का प्राइसिंग की बात करें, तो वो भी आपको 45,000 रुपये, 40,000 रुपये इस प्राइस में आएगा समथिंग। और अगर डबल डोर वाले फ्रिज चाहिए, जो कि पेप्सी, कोका कोला और सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, तो इसके लिए आप भाई कंपनी से जब माल खरीदते हैं, तो कंपनियाँ भी प्रोवाइड कर देती हैं पेप्सी, कोका कोला अलग, लेकिन माल जितना ज़्यादा खरीदते हैं, तो ऐसा एक स्कीम होती है, उस स्कीम के हिसाब से आपको पेप्सी कोला मिल जाएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे, है ना। तो ये डीप फ्रिज अलग से लेना है अगर डबल डोर का, तो 80,000 तक का फ्रिज आता है, 80 से 90 हज़ार का डबल डोर वाला फ्रिज। तो कोशिश ये करें कि आप खुद से वो कंपनी वाले फ्रिज मिल जाए, उसका जुगाड़ लग जाए, तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक। इसके बाद होता है एलईडी बोर्ड। एलईडी बोर्ड की बात करें, तो भाई ये जो है सबसे बड़ी चीज़ है, आपकी दुकान के फ्रंट का लोगो उसमें रहता है। तो एलईडी बोर्ड और आपका इसकी प्राइसिंग की बात करें, तो 25,000 तक में हम इसका एक कॉस्टिंग जोड़ते हैं, जो कि आपका 8x4, 8x5 ऐसे करके रहेगा, जिसमें आपका पूरा ग्रॉसरी स्टोर का लोगो, नाम, सारी चीज़ें रहेंगी, है ना। और उसके बाद ब्रांडिंग की बात करें, आपकी वॉल की ब्रांडिंग और स्टोर की ब्रांडिंग, आपका स्टोर का कलर कैसा होना चाहिए, मैचिंग कैसी रहनी चाहिए, इसकी अगर बात करें, तो ये ब्रांडिंग आपको 35-40 हज़ार रुपये में आराम से सब कुछ हम करा के दे देंगे, है ना। और इसके बाद हम जो एक फ़ीस लेते हैं कंसल्टेंसी की, वो हम आपको बता देंगे। कॉल करिएगा
इस नंबर पे बात कर लीजिएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको एक सुपर मार्केट खोलना है, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा मार्ट बनाएं, एक अच्छा सुपर मार्केट बनाएं, कम से कम प्राइस में आपका हम जो है मार्ट ओपन करके देंगे। आप 1000 स्क्वायर फीट में आपका जो एक प्राइस आएगा ना, वो हम अगर उसकी बात करें तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपये आएगा 1000 स्क्वायर फीट में। 15 लाख में आपका पूरा स्टोर बन जाएगा 1000 स्क्वायर फीट में, विथ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी आप उसी में ख़रीद के रख सकते हैं उतने में, ठीक है। तो इस हिसाब से हम मार्ट बनाते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, रेट टू रेट चीज़ें मिले, जुगाड़ वाला सिस्टम हो जाए भाई। अगर जुगाड़ वाला कि यार चलो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं लगा सकते तो इसमें हम फिर जुगाड़ सेट कर ले, ऐसी चीज़ें करा देंगे। ये सब चीज़ें हम आपको एज अ कंसल्टेंसी बताएंगे। अगर आप करवाना चाहते हैं हमसे मार्ट ओपन करवाना चाहते हैं, तो हम आपके पास आ करके और पूरा एक मेजरमेंट करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, फिर हमारी एक डील होगी, एग्रीमेंट होगा, और हम आपका काम पूरे जो है करवा देंगे। आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा यहाँ से वहाँ, पूरा स्टोर ऑल टू ए टू जेड हम डिज़ाइन कराएंगे। साथ ही साथ ये तो हो गया, फिर प्रोडक्ट परचेसिंग सबसे बड़ी चीज़ आती है, वो भी हम आपको मॉडर्न ट्रेड से आपको प्रोडक्ट परचेसिंग कराएंगे। हम आपके साथ रह के आपको सिखाएंगे कि कैसे प्रोडक्ट परचेस करना है, डिस्काउंट कैसे मिलेगा, होलसेलर आपका जो डीलरशिप से कॉन्टेक्ट कराना, तो ये सब चीज़ें हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे रह करके। और स्टोर को प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, स्टोर से फ़ायदा कैसे कमाना है, कैसे स्टोर को रन करना है, स्टाफ कैसा होना चाहिए, स्टाफ को ट्रेन करने के लिए बिलिंग मशीन कैसे चलाना है, इन सारी डिटेल्स, इन सारी चीज़ों को करने में हालत ख़राब हो जाती है, तो भाई ये हम करवा के देंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कॉल करिए, मैसेज करिए, अपना स्टोर का लोकेशन दीजिए, हम आपके पास आ करके अगर डील होती है तो आपका काम करवा देंगे, अदरवाइज़ कोई इशू वाली बात नहीं। बहुत से लोग जो है ना फ्रेंचाइजी कर रहे हैं, तो फ्रेंचाइजी भाई लेंगे तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्राइसिंग। आप 2-2.5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस देंगे, उससे अच्छा वो 2-2.5 लाख का आप प्रोडक्ट ही रखें, आपकी जेब में ही आएगा। पैसा बचाना सीखिए, फालतू में पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे फ्रेंचाइजी में, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी है उससे अच्छा तो हम ही स्टोर बना के दे दे रहे हैं आपको। तो वो कई लोग जो हैं झूठ बोल रहे हैं मार्केट में कि हम आपको डायरेक्ट होलसेलर से माल दिलाएंगे, डायरेक्ट कंपनी से माल दिलाएंगे। 1000 स्क्वायर फीट में कोई कंपनी अपने से माल नहीं देता, ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसा वो सब स्कैम है। आपको जो फ्रेंचाइजी वगैरह जो कंपनी है वो सब आपको आपके ही शहर में आपको प्रोडक्ट परचेसिंग कराएंगी, बार बार तो माल आपका आएगा नहीं। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको 1000 स्क्वायर फीट में कितना माल खरीदोगे एक कंपनी से? हिमालय की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या एक कोई मान के चलो साबुन की कंपनी है, वहाँ से आप कितनी साबुन खरीदोगे? 10,000-20,000 की साबुन, तो क्या कंपनी से डायरेक्ट भेजेगा क्या वो? और भेजेगा तो कितना ट्रांसपोर्ट लगेगा? बहुत सारा पैसा। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा समझिए इन चीज़ों को, ऐसे स्कैम में मत फंसिए भाई, है ना। किसी की बातों में ऐसे मत आइए कि हम आपको इतना प्रॉफिट दिलाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, वो सब बाद में पता चलेगा जब आप मार्ट ओपन कर लोगे कि यार वाकई में मैं सही बोल रहा था। बस यही है, आप लोग थोड़ा समझिए, जानिए और मार्ट की तरफ बढ़िए, अपना मार्ट ओपन करिए। आपके साथ हम खड़े हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। बहुत सारी वीडियो हमने बताई है डिटेल में, देख सकते हैं कि कैसे मार्ट होते हैं, कैसे मार्ट को चलाया जाता है। आप पूरे चैनल में हमारे यही चीज़ मिलेंगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को लाइक भी करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।